जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई। सड़क अपराध और ऑटो लिफ्टिंग में शामिल अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए नॉर्थ ईस्ट जिले के ऑपरेशन विंग के विशेष रूप से निगरानी रखने, सुराग इकट्ठा करने और क्षेत्र में सक्रिय ऑटो लिफ्टरों को पकड़ने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। नॉर्थ ईस्ट डीसीपी डॉक्टर जॉय तिर्की के अनुसार 8 जुलाई को इलाके में एक सक्रिय और हताश ऑटो लिफ्टर की मौजूदगी की सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर योगेश वशिष्ठ एनएडी के नेतृत्व में एक टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर विशाल त्यागी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामबीर सिंह, हेड कांस्टेबल कृष्ण, हेड कांस्टेबल कपिल और हेड कांस्टेबल दीपक सहित मोनू शामिल थे। मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल चला रहे एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस की मौजूदगी को भांपते हुए वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सतर्क टीम ने उसे दबोच लिया। मोटरसाइकिल से संबंधित दस्तावेज मांगे जाने पर वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। सत्यापन करने पर बरामद मोटरसाइकिल थाना शकरपुर दिल्ली में दर्ज एफआईआर के तहत चोरी की पाई गई। उससे लगातार पूछताछ करने पर उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और अपने साथी के बारे में बताया। उसने अन्य मामलों में भी अपनी संलिप्तता का खुलासा किया। इसके अलावा उसके कहने पर छापेमारी की गई और विभिन्न थानों के क्षेत्र से चोरी की गई 4 और मोटरसाइकिलें बरामद की गई। उसने आगे बताया कि वह मुख्य रूप से सुनसान जगहों पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाता था। अन्य मामलों में उसकी संभवित संलिप्तता का पता लगाने और उसके साथी को भी पकड़ने का प्रयास जारी है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।